में तो साइन नहीं करेगा सर। आई गेस 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 या 2.1 का है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2.3.2 ओके तो पहले एनसीईआरटी एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेंस थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट पार्ट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 and x minus y is equal to 3003. So Yuvraj, any idea कैसे कर सकते हैं इसको? एक मिनट सर, मैंने ये तो नोट नहीं किया, एक मिनट रुको। मेरे हिसाब से मतलब सर माइनस वाला मुझे दिखा नहीं, एक्स माइनस वाई। जी है ना, सेवेंथ हाँ सेवेंथ सर, क्वेश्चन तो यही, एक मिनट, 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा हाँ, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने A11 A और B11 लेके चला, x को A11 ले लिया, y को B11 ले लिया, तो A11 प्लस B11 इज इक्वल टू 7, A11 माइनस B11 इज इक्वल टू 3, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2A11 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो A11 5 आ गया। ओके दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड. अगर हम इसको ऐड करते हैं क्या होगा? ये नेगेटिव है ना, दिस इज नेगेटिव, सो दिस विल कैंसिल. यू गेट ट्वाइस ऑफ एक्स हाँ जी, इज इक्वल टू, इसको आपने ऐड कर दिया, फिर 7310, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 8. फिर उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 5014। 5014. बिल्कुल ठीक है, बस यही करना था. जी सर, तो ठीक है, पता नहीं तब क्यों नहीं हुआ, तब शायद मैंने वो लिया ही नहीं, एक्स माइनस वाई। ओके ओके मिस हो गया होगा सेकंड पार्ट, नो इशू. और इसके बाद फिर जी तो अब तो सर एक्स प्लस वाई में डाल दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगा सामने से, मतलब एक्स आ गया. ठीक कोई दिक्कत नहीं। है ठीक है, इसके बाद कोई और डाउट? जी सर, वो हो जाएगा 2011। ठीक है. जी सर, सही, तो आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है. बाकी सर अभी तक असाइनमेंट नंबर 2 पे पहुंचा था, 2 कंप्लीट करी है, 2 में भी कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, थर्ड पढ़ी है मल्टीप्लीकेशन वाली, अच्छा, वो भी रहती है एक्सरसाइज मल्टीप्लीकेशन वाली रहती है, एडिशन वाली होगी सारी। 3.2 होगी कंप्लीट, इसमें कोई और डाउट तो नहीं है? एक मिनट से खोल के फिर से देख लो एक बार की थी। असाइनमेंट में आरडी के क्वेश्चंस थे, लेवल आरडी के हैं क्वेश्चंस, 1 लेवल 2। मिक्स है युवराज, दोनों ही है. ओके तो मतलब सर आरडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर असाइनमेंट कर ली। थ्री पॉइंट टू का सर 18th क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन है. फिर इज इक्वल टू दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर दैट ग्रुप. ओके ट्राई किया युवराज इसको? समझ नहीं आया कैसे करना। ओके
बेसिकली सर इसमें शो करना है तो हम बस वैल्यू डाल देंगे कि इतना ही करना है। वैल्यू हम पुट कर देंगे बट वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। मतलब सर इतना तो मुझे पता लग गया इसको देख के कि एलएचएस में हमारा 1 1 -tan alpha by 2 1 plus tan alpha by 2 और 1 आएगा, और इस साइड पे वही माइनस हो जाएगा, तो -1 -1 plus tan alpha by 2 वहां पे आ जाएगा tan alpha by 2 -1 और -1। Because also we have to show this first three calculus. LHS is I plus A 1 0 0 1 क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया था आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर द टू प्लस ए 0 -tan alpha by 2 So this is 1 minus tan alpha by 2. This is tan alpha by 2 and this is 1. ठीक है, ये एल एच एस हो गया। नाउ आर एच एस ठीक आर एच एस आई माइनस ए cos alpha minus sine alpha cos this is equal to 1 0 0 1 minus a 0 minus tan alpha by 2 into this cos alpha sine alpha minus sine alpha and cos so this is equal to so subtract here 1 this is tan alpha by 2 and this is minus tan alpha by 2 and this one is 1 into cos alpha minus sine alpha into cos alpha. Clear guys? Now we have this LHS, ये RHS है, इसको अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दिस और फिर फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इसको प्लीज नोट कीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। रश हो गया था एक मिनट सर, लास्ट वाला नोट। तो अब हम सिर्फ मतलब आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं। हम सब आर एच एस सॉल्व करें दिस इन द कॉस अल्फा
जी सर। ये लास्ट पॉइंट भी नोट हो गया राज। जी सर। हाँ ये लास्ट पॉइंट भी नोट हो गया कॉस्ट। जी सर, ये भी हो गया। ना ये अब देखिए आरएच सॉरी एलएच को अगर देख रहे हैं देन एलएच वी हैव ओनली टेन अल्फा बाय टू, और अगर हम एलएच को देखें देन वी बेस्ट थिंग इज कन्वर्ट ऑल दिस कॉस अल्फा साइन अल्फा इन टर्म्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा बाय टू। फॉर्मूलेज लर्न हुए चुको के सो साइन अल्फा इन टर्म्स ऑफ टैन अल्फा बाय टू। सो ये वाला नहीं पता था। अच्छा सो कॉस अल्फा का ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा इज 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू वन बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू देन वी हैव टू। सर आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है ब्रश क्लियर। जी सर, बेट ओके देन वी हैव दिस साइन अल्फा। सो साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है टू टैन बाय टू बाय वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू। ओके देन माइनस साइन अल्फा इज अगेन टेन प्लस टेन अल्फा बाय एंड कॉस अल्फा इज वन माइनस then we have minus tan alpha by 2 and cos alpha plus sin alpha and last is tan alpha by 2 into sin alpha plus cos alpha. Okay, so sin alpha is cos alpha means Rush, any doubt yahan tak? सर इसमें हमने अच्छा ओ नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया। अब इसको प्लीज कैलकुलेट कीजिए। टेक द एलसीएम ऑफ दिस कंप्लीट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऐड और देखिए फिर आपका एलएचएस आना चाहिए। ठीक सो मैं वेट कर रहा हूँ प्लीज कंप्लीट इट। एक मिनट सर।
सो बेसिकली ये अब हमारे चार सेट के वो बन गए, 2x2 मैट्रिक्स, राइट। हमें बस इसे सॉल्व करना है, जी तो भाई। अब इसको कॉस, हमें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा चाहिए, तो नहीं, हमें सब कुछ टैन में ही चाहिए, इसको कैसे। जस्ट टेक एलसीएम और उसको सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम तो सही, हमने ऑलरेडी लिया नहीं है, मतलब जो आप कर रहे हो अभी। हाँ मैं तो कर रहा हूँ, बट यूगैश कैलकुलेशन खुद कीजिए, और अगर कोई डाउट है जी देन सर, चेक दिस। युवराज जब हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जी सर,
हो गया सर। फिर हाँ यहाँ कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ना युवराज, लास्ट स्टेप आपने यहाँ कॉमन लेके कैंसिल सर, कर दिया इसमें टैन माइ फिर इसमें माइनस टैन अल्फा बाय 2 बार कॉमन ले लेंगे तो वो बिल्कुल। उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक ठीक है युवराज, ओके। सो एक्सरसाइज 3.2 में युवराज और कोई डाउट? युवराज और कोई डाउट? सर ये क्वेश्चन नंबर 20 जो सर जो ये क्वेश्चन नंबर 20 है जी इसमें है कि एक स्कूल है उसके 10 डजन केमिस्ट्री बुक, जी 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक है, मतलब 120 120 केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, और उसने प्राइसेस दिए हुए हैं हर एक के रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा। तो मैट्रिक्स एलजेब्रा से क्या मतलब है इसका? मतलब फर्स्ट थिंग हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री जो है हमारा, सर केमिस्ट्री डायरेक्टली तो हो जाएगा, डायरेक्टली का तो वो नहीं है, एक केमिस्ट्री 10 है और इनकी सेलिंग प्राइस 80। नेक्स्ट फिर फिजिक्स टेन हमारे, डजन है सर, 10 डजन। हाँ 10 डजन है और सेलिंग प्राइस है ₹80 ईच। ओके इसको 80 each, yes sir। 120 कर देते हैं ना। हाँ फिजिक्स जी, जो है हमारा 8 हो गया, फिजिक्स है सर हमारा 8, तो ये हो गया 96, 90 से। इकोनॉमिक्स भी 10 है हमारा, ये भी 120 हो वो गया भी 120 हो गया। और इसके जो प्राइसेस हैं दैट इज 60 एंड 40। सो हमें करना क्या है, वी हैव टू हाँ जी मल्टीप्लाई सर, एंड फाइनली वी हैव टू ऐड, है ना, ये तो सर नॉर्मल वे हो गया। यस नॉर्मल सर, वे हो गया। बस इसमें वो कह रहे कि यूज द मैट्रिसेस, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि व्हाट वी कैन डू। अगर हम सपोज ये जो बुक्स हैं इसको ऐसे ले लें 96 120, ठीक है, और हम इस प्राइजेज हैं उसको हम ऐसे ले लें 80 60 40। फर्स्ट थिंग हमें चेक करना होगा, सर इससे तो 3 into 3 मैट्रिक्स आ जाएगा, अभी चेक करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं युवराज, नहीं 1 into 1 मैट्रिक्स। हम इसको मल्टीप्लाई कर जी सकते सर, हैं। कर सकते हैं। हाँ तो वहाँ थोड़ा सा देखना है कि ऐसा नहीं हो कि आप इसको कॉलम वाइज ले लें तो बाद में इश्यू आ जाएगा। नाउ अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाँ। रो विल बी मल्टीप्लाई विथ दिस कॉलम, तो वो वही है जो मतलब यहाँ कर रहे सर हैं। इनडायरेक्टली आना तो एक ही है ना, वही बात हो गई, सेम ही होगी। 120 मल्टीप्लाई होगा 80 से, 96 होगा 60 से, 120 होगा 40 से, और प्लस हो जाएंगे हमने जैसे वही ऊपर किया, किया था। बट इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ना रफ में एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमें एक्चुअल में चेक क्या चाहिए। जैसे सपोज इसको हम ऐसे लिख देते हैं 120 96 120 वो तो ऐसे। सर मुझे समझ आ गई कि एक ही आंसर आ सकता है ना इसका, तो इसका मल्टीपल आंसर्स आ नहीं सकते, तो फिर मैट्रिक्स हमें एक ही 1 into 1 ऑर्डर वाला चाहिए होगा। वन इंटू वन है ना, तो एक बार रफ में चेक कर लिया कि हमें फाइनली कैलकुलेशन क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स। इससे तो 3 into 3 आ जाएगा। हाँ इससे होगा भी नहीं, ये जैसे 3 रोज हैं 3 into 1 हो गया। अच्छा नहीं सही कह रहे हैं, हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 by 3 आ जाएगा, बट दैट इज ऑफ नो यूज। 3 by 3 ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी सर, ओके युवराज, इसके बाद मैं युवराज चाहता नहीं हूँ कि कोई भी ना डाउट रह जाए, सो 3.2 पहले चेक हाँ। कीजिए, कोई डाउट है अभी? सर 3.2 में अब तो कोई नहीं है। अब कोई नहीं है। उसके बाद एनसीईआरटी में मैंने मिसलेनियस भी दिया था, हो गया मिसलेनियस? सर एक क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बार 13 ये देख लो। मेरे सेकंड को उल्टी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्री वाले जो होते हैं। उसके, एक तो आपको फॉर्मूलेस रिवाइज करने होंगे युवराज 11 के। ठीक है 13 जी देखिए, सर, क्वेश्चन 13 इज नंबर 13 में मुझे इतना समझ आ गया कि एफ ऑफ एक्स अगर ये है, तो एफ ऑफ वाई में साइन वाई हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा, सारे जितना एक्स है वो वाई हो जाएगा। अब इस दोनों को इसने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे दिखाने की एफ एक्स प्लस वाई है, तो वो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई वगैरह आ जाएगा, बट फिर उसको इक्वल कैसे शो करेंगे हम? वी हैव दिस एफ एक्स इतना है हमारा 001, वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इनटू एफ वाई
इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, एफ एक्स ये हो गया। फिर उसके बाद एफ वाई की अगर हम बात करते हैं, cos y माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई cos y जीरो। ठीक है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, इसको स्टार्ट कीजिए। ट्रिगो का एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा, हेल्प ऑफ दैट ये खुद आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को एफ एक्स इंटू एफ वाई। जी सर। एवरेज कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। जी सर।
रिफ्रेश किंग, डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर, 1 मिनट। सर जो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई और 0, फिर आ गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, साइड में 0, फिर 0 0 1। लेकिन अब इसके बाद हम इसमें से क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई फॉर्म में लाने हैं हमें इसे। साइन वाई। युवराज, फर्स्ट थिंग, कल जब हमारी क्लास होगी ना, तो ट्रिगो की जितने भी जी फॉर्म सर। हैं 11th के, वो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? सो ओके ना, सर। जैसे ये आ रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है? सर कॉस ए प्लस बी, क्लॉस कॉस ए माइनस बी, और ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक जी सर। है? और सिमिलरली इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस माइनस साइन एक्स इनटू कॉस वाई, ठीक है? नाउ ये किसका फॉर्मूला होगा? नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, ठीक है? कॉस साइन बी प्लस साइन कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होगा? सर ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का हो गया। तो इसमें या तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले फॉर्म हो रहे हैं, या फिर साइन ए प्लस बी के, उसको पुट कीजिए, फिर देखिए क्या एक्सप्रेशन आ रही है। एक
सर आ गया, गया? हो गया सर। ठीक है युवराज। युवराज फिर 3.2, एनी अदर डाउट? सब हो गए ना 16 नो से? सर, जी सर, अब सब हो गए। नहीं ओके फिर मिसलेनियस, एनी डाउट? सर, मिसलेनियस में बताइए कोई प्रॉब्लम है? हमने 3.3 नहीं करी अभी। 3.3 नहीं की थी हमने, बट मैंने मिसलेनियस होमवर्क दिया था। जी सर, मिसलेनियस में कोई प्रॉब्लम है? सर मिसलेनियस मैंने ट्राई नहीं करी। युवराज ये तो ऐसे तो हमारी स्पीड ना बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा इनवर्स भी रहता है, जी मैट्रिसेस सर, भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, अभी जी तो सर, स्कूल ऑफ है ना आपका? हाँ जी सर, अभी तो ऑफ है। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहे, हम मैक्सिमम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स ना, ये इजी चैप्टर, जी उसमें अगर हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो बाद में जो डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आएगा तो वो हमारी स्पीड बहुत स्लो कर देगा। मेरा टारगेट ये कि नवंबर एंड तक सिलेबस आपका हो जाए 12th, है ना? तो उसके लिए आपको बच्चे होमवर्क बहुत करना होगा, जी सर, तो टाइम निकालिए, क्योंकि 5 days काफ़ी होते हैं ना वीक में। ओके जी सर, सो मिसलेनियस में एक बार चेक कीजिए, मैंने जो होमवर्क दिया है कुछ ऐसा लग रहा है आप उनसे कुछ नहीं कर सकते, मैं फिर वो अभी सब करवा वही दूँ। कर रहा था एक। हाँ सर इसमें तो बड़े अलग तरीके के क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, उसमें डाउट आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू 0100, देन शो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू एंड सो ऑन। तो इफ यू हैव टू शो दिस, अब इसमें हम युवराज यूज करेंगे 11th का कॉन्सेप्ट, पीएमआई हमने किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके हमने एक चैप्टर किया था पीएमआई, उसमें हम फॉर्मूलेस प्रूफ करते, सिंगल एक्सरसाइज थी, उसमें सिर्फ फॉर्मूलेस थे और 3 स्टेप्स में सारे फॉर्मूलेस हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ भी फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पीएन हम लेते हैं, पीएन इज ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। ठीक है, ये हमारी एक स्टेटमेंट होती है, इसको हम पी एन लिख देते हैं, फॉर्मूला इसको हम पी एन लिख देते हैं। फिर स्टेप वन आता है हमारा, हम पी वन चेक करते हैं। पी वन का मतलब इन प्लेस ऑफ एन वी कैन पुट वन, तो दिस इज ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए हो गया, आई हो गया, ये वन, ये तो वन इंटू वन माइनस वन बी ए दिस इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए विच इज ट्रू। ठीक है राज, सो फर्स्ट स्टेप क्या था, जी हमने जो भी हमारा फॉर्मूला है वी हैव टू राइट दैट पी एन। सेकेंड स्टेप हमें पी वन लिखना है, सो पी वन मीन्स इन प्लेस ऑफ एन वी पुट वन, तो ये हमने चेक किया, दिस इज आर एच एस, दिस इज आर एच एस। सेकेंड स्टेप इज लेट पी के बी ट्रू,
हम ये लेट करते हैं कि पी के ट्रू है. पी के ट्रू होने का मतलब ये जो हमारी एक्सप्रेशन, ये जो था इन प्लेस ऑफ एन हम पुट करें पी के, उसका मतलब ए आई प्लस बी ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के आई प्लस के इंटू ए के माइनस वन बी. ठीक है ब्रज जी सर. दिस इज अ सेकेंड स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा? नाउ वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर pk is true. This is the third step. So what we have to prove that pk plus 1, pk plus 1 ka matlab ai plus ba to the power k plus 1 is equal to a to the power k plus 1 I k plus 1 a to the power k plus 1 minus 1 b. ठीक है, ये हमारा था फॉर्मूला. पी के प्लस वन अगर पुट करना है देन इन प्लेस ऑफ एन वी पुट के प्लस वन, और इन प्लेस ऑफ एन पुट के प्लस वन प्लस के प्लस वन ए इंटू अंदर, हमें ये प्रूफ करना है फाइनली. ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं. सो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट. देन फर्स्ट स्टेप पी वन ट्रू होना चाहिए, हमें चेक करना है, ये हमें लेट करना है दैट दिस इज ट्रू. And we have to prove that pk plus 1 is true. Now, we have to prove this is equal to this. So, hum ab kya karenge? We will write like this, ai plus ba. Now, ye agar k plus 1 hai yogra, this can be written k into ai plus ba. Itna theek hai? Yes. Ab sirf karna kya hai? Iski value kahan se find ho sakti hai? मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर चेक कीजिए आ रही आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर आता है देन क्लियर. वर युवराज दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सर, मतलब ये एक चैप्टर था 11th का. हाँ, ये चैप्टर था पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, उससे हम कोई भी फॉर्मुलेस प्रूफ करते थे. सो दिस इज अ फॉर्मूला एक्चुअली, इसको हमने प्रूफ किया बाय दिस. सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट सेलेक्ट करना है पी वन है. इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं. पी एन पी वन पी के प्लस वन. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस पुट दिस वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड चेक कीजिए कि यही आ रहा है आपके पास. ठीक है ब्रश, मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज डू द कैलकुलेशन. जी सर वही आएगा, सेम टू सेम आएगा सर. ओके सेम आ रहा है, क्योंकि सर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में एक प्लस ही हो जाएगा. ठीक ठीक. सो युवराज सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप है, बाय द सेम मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस, है ना. तो सेकंड थर्ड हो जाएगा, उसके बाद मुझे फिर बताइए मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे. कोई और डाउट है मिसलेनियस में? ओके, डू वन थिंग, try to do question number second. Again, abhi kar. Sir, second question में जो 3n minus 1 इसने 3 into 3 order का matrix दिया हुआ है. तो basically इसमें formula तो दिया नहीं हुआ इसने. Same steps, जैसे
ए इज इक्वल टू दिस इज ए, ए एन जो होगा दिस इज इक्वल टू थ्री एन माइनस वन, थ्री एन माइनस वन, थ्री एन माइनस वन, this is an and block n. Now Yuvraj, what is the first pn, you know jiski formula hota hai wo likh dete hain, 3n minus 1, 3n minus 1 usse sara likhenge same. theek hai, now what is the second step? सर k ले लेंगे तो वो k माइनस वन, k माइनस वन हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो वो सेकंड एक रेज्ड पावर k प्लस वन. सेकंड स्टेप होता है p वन. p वन का मतलब इन प्लेस जी सर यू हैव टू पुट वन, तो वन पुट करेंगे तो कितना आएगा, वन माइनस वन, ये सब जीरो हो जाएगा, वन आ जाएगा सर. तो विच इज ट्रू, है ना, आपको a यही गिवन था जी सर, सो आप लिख देंगे हाँ जी सर p वन इज ट्रू. Now what is the second step? Taking it as k. Let pk be true. P of k. ठीक, इसको आप let कर लेंगे. Pk be true का मतलब? जी सर. This one. A to the power k. This is equal to. समझ गया सर, वो तो k minus one, k minus one हो जाएगा. Next third step, you have to show that pk plus one is true. Okay, Yuvraj, last statement इसमें हम लिखते हैं. जब आपने प्रूव कर दिया, नेक्स्ट यू हैव टू राइट, सो पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ principle of mathematical induction चलिए मैं इधर ऐड करवा देता हूँ स्टेटमेंट उधर स्टेटमेंट सो यू कंप्लीट दिस लास्ट में मैं स्टेटमेंट यहाँ ऐड करवा ठीक है अभी इसको प्लीज कंप्लीट डन युवराज जी सर ठीक है सो फिर प्रूफ कर दिया पी के प्लस वन एलिजिबल सर पी के प्लस वन में मैंने पी के बाद वही स्टेटमेंट लिख दी ना जो आप लिख रहे थे ड्यू टू मैथमेटिकल इंडक्शन तो पी के प्लस वन भी होगा ये तो हमारी पी के की वैल्यू आई है अभी थ्री के माइनस वन थ्री के माइनस वन and so on जो भी the values जी सर जिसके वही स्टेटमेंट लिख दी ना जो आप लिखवा रहे थे कि for every p k is true then p k plus one will also be true अभी ये due to mathematical induction p plus one वो तो find नहीं किया आपने now we have to prove that pk plus 1 is true whenever pk is true abhi to hame ye prove karna hai pk plus 1 ka matlab kya ho jayega you have pk plus 1 means in place of the topic kar denge pk plus 1 aur ye kitna ho jayega this is equal to 3 to the power k plus 1 minus 1 k plus 1 minus 1 k plus 1 minus 1 ठीक है वैश आपको ये शो करना है दैट ए के प्लस कैसे शो करेंगे
इसका इनका मतलब क्या है, ए के इंटू ए, इसकी वैल्यू है आपके पास, ये ए की वैल्यू है, तो पुट द वैल्यूज, मल्टीप्लाई कीजिए और शो कीजिए, दैट इज इक्वल टू, ठीक है गाइस, जी सर। इट इज ओके। सर इसमें सीधा रेस्ट पावर के ही नहीं लिख सकते? अच्छा हाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हम, कैंसिल कर, तो फिर तो हो ही गया ना, अगर रिस्ट पावर के लिखते हमने तो फिर वो व्रज बट ये प्रूफ भी करना है ना, जिस पे ये तो आपने कर दिया दिस विल कैंसिल, बट वी हैव टू प्रूव दैट ए के प्लस वन इज इक्वल टू दिस, तो वो कैसे आएगा, ए के प्लस वन को पहले से ब्रेक किया, और व्हाट इज ए के इज दिस वैल्यू, और ए क्या है, ए ये था 111, तो आपको तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस शो करना है, फिर वो ये बात सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी भी नहीं आ रही, सर अब आ रही है। ओके सो आई वाज सेइंग कि वी हैव टू प्रूव दैट सर एक आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। सर अच्छा फिर से चले गए आपके पास। युवराज अब ठीक करिए, युवराज वॉइस ठीक करिए, हाँ जी सर, ओके सो जी सर, हमें प्रूफ करना है कि ए के प्लस वन इज अब इक्वल सही। दिस वन, ठीक है, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, इस ए के प्लस वन को वी कैन राइट ए के इंटू ए, हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है ना युवराज, जी सर, हाँ सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए के, जी ए के की वैल्यू क्या होगी, सर। सर ए के की वैल्यू वही सर जो उसकी थी, क्या कहते हैं, दिस वन, तो ए के की वैल्यू सर जो हमने पीछे निकाली थी। हाँ जी सर, ये वाली। हम इसको यहाँ पुट करेंगे 3k-1, जी सर, 3k-1, ठीक है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस, तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास, सर ये बट ये तो सर बट ये तो फिर इक्वल इक्वल नहीं आएगी ना। नहीं इक्वल ही आएगी, इक्वल ही तो आना चाहिए, एक मल्टीप्लाई कीजिए सेम आना चाहिए, जी सर, सेम आता। गया ओके, ठीक है अब क्लियर हुआ थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में सिर्फ लिखना नहीं है, वी हैव टू प्रूव, सेम जी हाँ तो अब थर्ड स्टेप में हमें करना क्या है, फर्स्ट वी हैव टू राइट ए के प्लस वन, देन वी सॉल्व दिस, सर, और हमें प्रूव करना है कि आर एच एस के इक्वल होना चाहिए, जब इतना आ जाएगा युवराज फिर हमें लिखना है, सो पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर व्हेनेवर पी के इज ट्रू, हेंस हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स,
क्लियर हुआ युवराज जी? जी सर, जी सर, ओके प्लीज नोट डाउन दिस। इससे एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में उसको भी कर लेते हैं। ट्राई टू डू थर्ड क्वेश्चन। युवराज ट्राई दिस, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। एक्सक्यूज हाँ जी ब्रज, सर, एक्सक्यूज मी सर, जी ब्रज दही, एक्सक्यूज मी सर, जी ब्रज हमें ऑडिबल वॉइस आ रही है मेरी, ब्रज वॉइस आ रही है? ब्रज वॉइस आ रही है मेरी? युवराज आम आई ऑडिबल? सर आपको मेरी आ रही है? हाँ आपकी आ रही है मुझे वॉइस। ओके सर, परफेक्ट। सर मैं कह रहा था कि पहले तो मैंने प्रूव कर दिया कि 1 डाल के कि वो इक्वल आ गया, तो ये ट्रू है। तो मैंने के वैल्यू डाल दी अब इसमें, तो 1 + 2k - 4k, k 1 - 2k आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैंने इसमें k+1 वाली वैल्यू डालनी है, राइट? तो मुझे वो k+1 जो है वो किसके इक्वल प्रूफ करना है? RHS की, उसकी वैल्यू 3, 1, -4, -1, -1 होनी चाहिए। आपको प्रूफ करना है कि ए के प्लस वन जो होगा दिस शुड बी इक्वल टू 1 + 2 k + 1 -4 k + 1 1 - 2 k + 1। We have to prove this. We have to prove a k plus 1 is equal to this one. ठीक है। अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी होगी a k into a।
सो इट्स मीन वी हैव टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर, हमारे जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए फिर, अच्छा ओ ओके सर, ठीक है? ओके, युवराज जब कंप्लीट हो जाए प्लीज मुझे बता दीजिएगा।
जी नितेश, मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? बस है, बोलिए एक बार फिर से। हाँ जी वॉइस ऑडिबल है आपको? सर, एकदम सही। ठीक है, रही है? हाँ जी, एक बार मैं युवराज को कॉल करता हूँ ओके 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 ठीक। सर। हाँ युवराज, वॉइस ऑडिबल है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है जी वॉइस आ रही है आपकी? सर? वो स्टक हुआ पड़ा था वहां पे, मैंने मीटिंग लीव नहीं करी थी, बट वो स्टिल वहां पे स्टक हुआ होता, जैसे कनेक्शन नहीं चल रहा होता, अच्छा, हाँ पता वो है। कोई वेबसाइट में ग्लिच था। अच्छा, ओके ओके। जी हाँ सर, ये युवराज, मैंने कर लिया, हो गया। ओके फिर चेक मिसलेनियस। और कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा हो कि नहीं हो सकता? अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। एक मिनट सर, देख सर, और तो सर, ये क्वेश्चन नंबर, एक मिनट सर। अच्छा, वो तो आई होगा सर। जैसे ये क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सर दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर ए। अगर ए स्क्वायर सर, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हुआ ना, यहाँ वो सारे जीरो होंगे, यहाँ वो क्वेश्चन सारे नंबर कौन से है? फिफ्टीन। लास्ट सर, लास्ट वाला 15। ओके, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज अ कंडीशन, तो पूछो ये क्या होगा फिर, है सो व्हाट वी हैव टू डू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, वी हैव टू फाइंड आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 ए। ठीक है, ये हमें चाहिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी डोंट नो कि वैल्यू है क्या। हम इसको कैसे कर देंगे, आई प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिएगा, बिकॉज देयर चांसेस कुछ मिस्टेक हो जाए। डू लाइक दिस, माइनस 7 ए जी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई इंटू आई प्लस आई इंटू ए। ठीक है, मैंने कहा था ना ऑर्डर सेम होना चाहिए, आई इंटू ए लेकिन ए इंटू आई नहीं करेंगे, आई आई ए फिर ए इंटू आई आएगा, फिर ए इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई प्लस ए माइनस 7 ए। नाउ आई इंटू आई कितना हो जाएगा, सर, आई स्क्वायर आई स्क्वायर, एंड दैट इज आई, है ना? आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ही होता है। आई इंटू ए कितना जी होता सर, ए है, ए ए इंटू आई, ए ए इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर इज ए ए थ्री तो 3 है। है माइनस 7 ए इज इक्वल टू आई प्लस 3 आई प्लस ए माइनस माइनस 7 7 ए। अगेन मल्टीप्लाई दिस, आई इंटू आई प्लस आई आई इंटू आई आई प्लस टू ए 3 इंटू आई प्लस 3 इंटू ए
3a² माइनस 7 ए इज इक्वल टू आई इनटू आई आई हो गया प्लस आई यस सर सॉरी दिस इज ए हो गया ना, प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर इज अगेन 7a हो गया सर इनडायरेक्टली, माइनस 7 आई प्लस 7a माइनस 7a आई हो गया सर आंसर, आंसर आई हो गया सर। सर ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया फिर। अच्छा ये तो आंसर आपका ठीक है। युवराज इसके बाद कोई डाउट सर? क्वेश्चन और नहीं सर और तो कुछ नहीं है सर। 13th वाले में हमें ऑप्शंस में डालना होगा ना, if a is equal to this such that वो कह रहे a square is equal to i, तो बस यहाँ हम पुट करनी होगी फिर हम ऑप्शंस चेक कर लेंगे। कहाँ पे वैल्यू सर? a square में हमें पहले यहाँ वैल्यू पुट करनी है a square is equal to i। समझ गया ओके सर। हाँ जी सर कर देंगे ठीक है सर डन। बट युवराज अभी हमारे साथ जो इशू है ना जो हमने अभी बात की थी वो होमवर्क का हो रहा है ना, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत स्लो है ये जी सर। जब तक तो आज कौन सी क्लासेस हैं आपकी? और सर अभी मेरी फिजिक्स लगेगी उसके बाद तो फ्री हूँ। उसके बाद फ्री ना, उसके हो बाद सकता है सर, उसके बाद सर हो सकता है एक और क्लास लग जाए। ओके बट उसके बाद युवराज बस मैथ लेके बैठने मैट्रिसेस में अब आपके असाइनमेंट्स रह गए। एक असाइनमेंट ही रहते सर, एक रह गया उसके बाद फिर इनवर्स। जी सर युवराज कल तक ना प्लीज मैट्रिसेस और इनवर्स कर लीजिए क्योंकि जो भी डाउट्स होंगे हम कल कंप्लीट कर लें। जी सर ठीक है, सेम होमवर्क है जो लास्ट वीक था बट कल तक टारगेट लीजिए कि एट एनी कॉस्ट आपको ये करना है मैट्रिसेस एंड इनवर्स। इनवर्स में पहले एनसीईआरटी करनी है उसके बाद फिर असाइनमेंट्स भी करनी है। जी ठीक तो ठीक है युवराज फिर कल कंटिन्यू करते हैं बट विद ऑल द होमवर्क। ठीक सर थैंक यू सर। Okay, you're welcome. Bye, sir. Okay, bye.